हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स, जिसमें अपन ने 5-6 वीडियोस डाल दिए हैं। ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तो अपन ने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट्स वाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो, अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कैटिनेशन शो कर रहा था, बड़े बड़े कंपाउंड्स बना रहा था। ठीक है, अब देखो, कंपाउंड्स अपन ने पढ़ा था कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, इसकी वजह से वो बड़े बड़े स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन कंपाउंड्स बनाए जा रहा था। ठीक है, अब ऐसे कंपाउंड्स बने जा रहे हैं, इनकी संख्या जो है भाई अनगिनत है, मतलब बहुत सारी है, मान के चले आप। अब इतने सारे कंपाउंड से स्टडी अपने को करना है, और अगर अपने को उनके नाम हम दे दें, कोई मान लो कोई कॉमन नेम दे दूं कि इस कंपाउंड का ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स है, तो फिर सारे कंपाउंड्स के अपन को नाम कैसे याद करेंगे? और स्टडी तो करना है, तो नाम को अपने को याद तो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमको यही देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब इनका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो क्या लिखा है नोमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमनक्लेचर एंड इट कैन बी डन इन टू वेज। मतलब कि यही है भैया, जो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं ना, उसी को अपन नोमनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोमनक्लेचर। और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिस्टम क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि ट्राइबल सिस्टम या फिर कॉमन नेम। दूसरा आईयूपीएसी नेम, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ट्राइबल सिस्टम क्या है? ट्राइबल सिस्टम कॉमन नेम, सादा नाम। ठीक है, और आईयूपीएसी सिस्टम, दो सिस्टम है अपने पास में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए। ठीक है, तो ट्राइबल नेमिंग है ना, ट्राइबल सिस्टम जिसको अपन कॉमन नेम भी बोलते हैं, ये नेम जो है कुछ कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें हम ये याद रखते हैं, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमको मिला कहाँ से, उसका सोर्स कहाँ से, उसी बिहाफ पे उसको नाम दे दिया गया। तो ये तो ट्राइबल सिस्टम था। आईयूपीएसी की तो बहुत लंबी कहानी है, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ट्राइबल देख लेते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है ट्राइबल सिस्टम में? These are those names which are derived from the source of organic compound. मतलब वही देखो, organic compound जो है आपको कहां से मिला है, उसका source कहां है, वो कहां से आने वाला है, बस उसी का नाम देख दिए, उसी का नाम रख दिया। ठीक है, देखो example लिखो, दो example लिखे मैंने, एक लिखा है acetic acid CH3COOH। ठीक है, ये formula अब आप याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं acetic acid, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है, ये एसिटिक एसिड का नाम दिया गया, कॉमन नेम दिया गया। अब ये क्यों दिया गया, देखो आगे कहानी क्या लिखा है। डिराइव इट्स नेम फ्रॉम एसिटम, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां से अपने को मिलता है ना, उसको एसिटम बोलते हैं। ठीक है, तो एसिटम से इसका नाम दे दिया गया कि भैया ये एसिड है, तो उसको हम बोल दिया अपन ने एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, अगर हम आगे पढ़ेंगे हम कि ये एल्डिहाइड है और कौन सा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी ये याद रखिए कि इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। डिराइव इट्स नेम फ्रॉम फॉर्मिका, मतलब फॉर्मिक एसिड जो है ये, इसको हमने फॉर्मिका से मिला निकाला है। ये आपके जो लाल चिट्टी होती है ना, जो काट जाती है तो फिर अपने जलन वलन करने लगता है, ये वहां से बनता है। ठीक है, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया, फॉर्मिका एसिड, क्योंकि अपने को फॉर्मिका से मिला। तो ये तो कॉमन सिस्टम था, ये तो अपने को याद करना होता है। ठीक है, मेन मुद्दा अपना जो है वो है आईयूपीएसी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने हमको बहुत सारे रूल्स दिए हैं जिस बिहाफ में हम हमारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बड़े बड़े, ठीक है, उनके हम इनके नाम लिख पाएंगे। ओके, अब सबसे पहले आईयूपीएसी सिस्टम के रूल समझने से पहले उन्होंने हमको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, एक गोल्डन तरीका दे रखा है कि आपको इसी तरीके से नोमनक्लेचर करना है। जैसे मेरा नाम है रितेश पड़िहार, तो हमारे यहाँ क्या सिस्टम होता है कि हम पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर बाद में सरनेम लिखते हैं, है ना। सभी का नाम ऐसे है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका भी नाम ऐसे होगा, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं हम, शाहरुख फर्स्ट नेम, खान उसका सरनेम, ऐसा तो बोलते नहीं है खान शाहरुख, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इसी तरीके से आईयूपीएसी ने हमको एक फॉर्मेट दे रखा है, गोल्डन फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो क्या लिखा है। इस तरीके से लिखना आपको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी
सफिक्स। ये है अपना आईयूपीएसी सिस्टम लिखने का, मतलब किसी भी नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम लिखने का सिस्टम, ठीक है। अब इसमें बताता हूं आपको किसका मतलब क्या है। देखो वर्ड रूट मुझे ये बताता है कि कार्बन के कितने एटम है मेरी पेरेंट चेन में, कार्बन एटम। अभी हम इनको एग्जांपल से भी देखेंगे। इन पेरेंट चेन, मेरी जो चेन है ना मेन चेन जिसके अकॉर्डिंग मैं आईयूपीएसी का नेम करने वाला हूं, उसके अंदर कार्बन एटम क्या है। वर्ड रूट का हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो होमोलोगस सीरीज में मैंने बोला था याद करना कि अगर कार्बन वन है तो मीथ, दो है तो ईथ, थ्री है तो पॉप, याद किया था इस तरीके से, ठीक है। प्रफिक्स जो है वर्ड रूट के आगे आता है, जिस फॉर्मेट में लिखा उसी फॉर्मेट में नाम लिखेंगे, वर्ड रूट के आगे आएगा प्रफिक्स, और ये हमको बताएगा कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है कौन सा है। सब्स्टिट्यूएंट आपके लेवल पे बस ये याद रखें कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपने जो निकाला ना, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजिशन क्या है, मतलब वो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है। नेमिंग करोगे तब समझ में आएगा, अभी बस ये समझे कि क्या क्या बता रहे हैं हमको, ठीक है। अगला प्राइमरी सफिक्स मेरे को ये बताता है कि मैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहा हूं उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और आप सभी को अच्छे से पता है सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में हम पीछे एन लगाते थे, याद है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपन ने बोला था, हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोला था सेचुरेटेड, दूसरे को बोला था अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में मेरे पास में था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और अनसेचुरेटेड मेरे पास में था डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स जब आप नाम लिखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्राइमरी सफिक्स रहेगा वो आपको ये बता देगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग कौन सी है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, क्या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर है आपने देखा तो आप क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर आप देख पा रहे हैं कि मेरे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो मैं ईन लगा दूंगा, इसी तरीके से तो करते थे अपन। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो आयन लगा दूंगा, ठीक है। और आप सभी को पता है ईन और आयन अपना होता है अनसेचुरेटेड, सिंगल होता है अपना सेचुरेटेड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप, ये भी हम आपको बताएंगे आगे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये अपना नेम है और इसमें अपने को ये पता चलता है, एक बार और देख लेते हैं। वर्ड रूट हमको ये बताता है कि पेरेंट चेन में कार्बन एटम कितने हैं, प्रीफिक्स हमको बताता है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमको बताना है, उसमें हमको ये बताना है कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो भी है जो हमने पता लगाया है वो कौन से कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है। प्राइमरी सफिक्स हमको ये बताएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सी है, वेदर इट इज सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। And secondary suffix will tell us about the functional group present in the organic compound. Okay? चलो आ जाओ थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में। Word root, it denotes the number of carbon present in parent chain. यही बोला मैंने आपको कि parent chain में carbon कितने present है वो हम लोग को बताता है। जैसे देखो example लिखता हूं मैं, example लिखा मैंने, एक organic compound बनाया C C C C C, ठीक है। अब आईयूपीएसी के रूल्स जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एक रूल बता देता हूं आपको। फर्स्ट रूल होता है उसको बोलते हैं सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखे ना सबसे लंबी चेन को चुनना है। अब देखो इसमें सबसे लंबी चेन मुझे यही दिख रही है, ठीक है। ये देखो ये कंटिन्यूअस है और लंबी भी है, ठीक है। ये मेरी पेरेंट चेन है जिसको अपन चुनते हैं ना नेमिंग के लिए, उसको पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन में आप काउंट करो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब वर्ड रूट के टेबल में आओ, 5 कार्बन कौन रिप्रेजेंट करता है, पेंट, तो यहां पे लिख दो पेंट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं 5 कार्बन, पेंट। और इतना तो आप सबको पता है कि सिंगल 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 कोवलेंट बॉन्ड है, तो लास्ट में मैं जोड़ दूंगा एन, तो ये इसका नाम भी हो गया पेंटेन। आई बात समझ में, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं सी 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 सी, तो इसका नाम क्या होगा, वर्ड रूट देखो कि 4 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं, ब्यूट, तो ये लिख दिया ब्यूट। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो एन, ठीक है। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मैं इसलिए अभी यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आईयूपीएससी में यूज करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गई बात।
वर्ड रूट। अब आपको ये याद रखना है कि वन के लिए मीत, दो के लिए ईद, तीन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक, नॉन, डेक, यहाँ तक यूज करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से अपना इतना ही बहुत है, आगे भी होते हैं लेकिन टेंथ तक अपन याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, जो इसकी हम बात कर रहे थे ना, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अ सब्स्टिट्यूएंट इज अ ग्रुप अटैच्ड टू द पेरेंट चेन और रिंग दैट रिप्लेसेस अ हाइड्रोजन एटम। ये तो बहुत बड़ी भारी डेफिनेशन रख दी आप, तो मैं बताता हूँ जो ध्यान रखे। आपने एक पेरेंट चेन चूज की, मतलब एक लंबी चेन चूज करने की कोशिश करी नेमिंग के लिए। अब जो भी आपका कार्बन छूट गया या फिर कोई दूसरा एटम छूट गया है ना, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। मैं आपको रूल नंबर 1 अभी बताया नहीं हूं, लेकिन अपन ने क्या बोला था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें यह चेन सेलेक्ट कर लेता हूं मेरे नेमिंग के लिए, पेरेंट चेन सबसे बड़ी दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पेरेंट चेन दिख रही है। हाँ दिख रही है सर, अच्छी बात है, दिख रही है। एक कार्बन हमारे चेन में नहीं आ पाया, ये छूट चुका है, हाँ के ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो तो मैं CH3 होंगे, यहाँ पे CH3 होंगे, यहाँ पे CH3 होंगे, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है, अब अगर चलो इसका नाम तो आप दे दोगे ब्यूटेन, अगर इसका नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देते हैं? देखो जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है, देखो इसमें अल्केन है, अल्केन अगर मैं इसमें जोड़ू तो ये CH4 था, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन गया? CH3। तो जब एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो CH4 अगर मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको मैं बोलूंगा मिथाइल। बस इस तरीके से अपने सब्स्टिट्यूएंट के नाम रख देना आप, आपके मिथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो तो ये होता है अपना सब्स्टिट्यूएंट। आगे प्राइमरी सफिक्स। अ प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्राइमरी सफिक्स हमको ये बताएगा कि हमारा कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। जैसे उल्टा समझते, जैसे मैंने देखो एक एग्जांपल लिखा, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख दिया पेंटीन। क्या लिख दिया? पेंटीन, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर वर्ड रूट क्या है, तो आप बता दोगे पेंट, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर आप मुझे बताओ कि ये आपका जो सफिक्स के अकॉर्डिंग देख के आप मुझे बताओ कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी सफिक्स जो है वो वर्ड रूट के जस्ट पीछे आता है और वो हमको बताता है कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। और हमको इतना पता है कि N जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, N जो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, और N जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। और हमारे यहाँ पे देखा इन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगी तो ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को प्राइमरी सफिक्स हमको हेल्प करेगा कि हमारे कौन सी बॉन्ड है। एग्जाम्पल एक ये हो गया, एक अगर अपन नाम लिखे इसका कार्बन 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 कार्बन, और मैं लगा दू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो अब इसका आप नाम कैसे देंगे? सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी इसका नाम देना चाहूं तो मैं, कितनी चेन है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 की चेन है, तो पेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयन, तो क्या लगा देंगे? आयन, तो ये इसका नाम हो गया पेंटाइन। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स विल टेल अस अबाउट दी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना इस गोल्डन रूल में लास्ट, जिसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? देखो सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इट इज एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स। मतलब देखो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा ना, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखो सेकेंडरी सफिक्स अपने को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का हम डिस्कशन बाद में भी करेंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग देखेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी इतना जान लो
कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे आइटम्स होते हैं जब उनको कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर दें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, और ऐसे आइटम्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, यह मेरा तीन कार्बन की चेन है, इसमें प्रोपेन है, ठीक है, हाइड्रोजन आप जोड़ लेंगे। अगर मैं इसमें जैसे COOH लगा देता हूं तो ये मेरा बन जाएगा, अब यह मेरा हाइड्रोकार्बन नहीं बचा, अब ये बन जाएगा मेरा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया आपने ऐसा इसमें क्या ऐड कर दिया कि ये एसिड बन गया, COOH ये ऐड कर दिया। तो हमने बोला ना ऐसे आइटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेमिंग में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH हो गया, OH अल्कोहल हो गया, बहुत सारे हैं अपने पास, ठीक है। अभी बस आप याद रखें कि सेकेंडरी सफिक्स हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा और ये प्राइमरी सफिक्स के बाद में ऐड होगा। प्राइमरी सफिक्स के मतलब बॉन्ड जो दिखा दोगे आप कि एन है, ईन है, आयन है, उसके बाद में लास्ट में आप बताओगे, ठीक है। जैसे मैं अगर इसका नाम लिख के बताऊं, उसका नाम होगा ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट कितना है, ब्यूट, तो ये अपने को दिख रहा है। एन क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सब में, तो ये अपने को दिख रहा है। और ओइक एसिड जो है इसका सफिक्स होता है, ठीक है, वो बताएंगे अपने को, सफिक्स होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या प्राइमरी सफिक्स के बाद में आया, आया है, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स हमको बॉन्ड बताता है। तो बॉन्ड पहले बता दिया अपन ने कि यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है एन से, उसके बाद में अपने बता दिया कि भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब है हमारा IUPAC के नेम का लिखने का एक स्ट्रक्चर। इसमें हमको बस अभी ये आज हमने ये देखा कि IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर कैसे करते हैं और उसमें कि कौन कौन पार्ट हमको क्या क्या बताता है, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि IUPAC के रूल्स क्या है, IUPAC ने जो हमको रूल्स दिए उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने इसको दोस्तों के साथ में शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।